अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। बेफिक्र, बेबाक और बिंदास, ये तीनों ही शब्द बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत पर एकदम सटीक बैठते हैं। कंगना हमेशा ही अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बनी रहती। हाँ, वो बात अलग है कि कई बार पंगा गर्ल अपने विवादित बयानों को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ जाती। जब से कंगना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हुआ है, तभी से वो इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव हो गई। देश और दुनिया से जुड़े हर मुद्दे पर बोलने से कंगना पीछे नहीं हटती। अब कंगना ने फिर से मोदी सरकार का समर्थन किया। कंगना कई बार कह चुकी हैं वो बीजेपी समर्थक हैं, और जब भी विपक्ष या लोगों ने मोदी के खिलाफ कुछ बोला है, कंगना हमेशा सरकार के समर्थन में उतर जाती। ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला। कंगना ने पीएम मोदी की भावुकता का मजाक उड़ाने वालों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर लिखा, आंसू असली थे या नकली, आप आंसू की टेस्ट में उलझना चाहते हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति की भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहन शक्ति को स्वीकार करना चाहते हैं जो दूसरों के दुख से हिल जाता है या ये जानने के लिए परवाह करता है कि ये दर्द असहनीय होता, उसे साझा करना होगा। वे आंसू एक अनजान घटना के रूप में हुए या वे सचेत प्रयास थे, ये कैसे मायने रखता है? क्या ये मायने रखता है? कुछ लोग हर समाधान के लिए समस्या ढूंढते हैं। मैं आपके आंसुओं को स्वीकार करती हूं प्रधानमंत्री, मैं आपका दुख बांटने देती हूं। जय हिंद। प्रिय भारतीय, हर आशीर्वाद को समस्या मत बनाइए, अपना एटीट्यूड और विचार खुद तय करें। बता दें कि बीते शुक्रवार को पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ बात की थी। इस दौरान वो भावुक हो गए और उन्होंने डॉक्टर और फ्रंटलाइन वर्कर्स की तारीफ की, साथ ही कोरोना में अपनों को छोड़कर चले गए लोगों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी के भावुक होने के बाद सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और कईयों ने पीएम मोदी की भावुकता का मजाक भी उड़ाया था, जिनमें से एक आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी थे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जो 17 अप्रैल को बोला था 21 मई को सच हो गया। देश को एक संवेदनशील नेक दिल इंसान चाहिए, ढोंगी प्रधानमंत्री नहीं जो खुद रैली करके कोरोना फैलाए और बाद में रोने का नाटक करे। अब कंगना ने अपने पोस्ट शेयर कर ऐसे लोगों को लताड़ लगाते हुए पीएम मोदी का समर्थन किया। वहीं चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको वो वीडियो जिसमें पीएम मोदी भावुक होते दिखाई दिए। हमारे कई अपनों को हमसे छीना है, मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। साथियों, कोरोना की सेकंड वेव में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है।